स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए. व्लादिमीर पुतिन, बी. दिमित्री मेदवेदेव, सी. मिखाइल गोर्बाचेव, डी. अलेक्सी नवलनी। आंसर ए. व्लादिमीर पुतिन। एक्सप्लेनेशन: व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया है। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ। इस चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ड 87% वोट मिले। इसके पहले के चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। पुतिन अब 2030 तक रूसी राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी. सरस्वती सम्मान, सी. व्यास सम्मान, डी. साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंसर बी. सरस्वती सम्मान। एक्सप्लेनेशन: प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की उपन्यास रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? ए. टोक्यो, बी. मुंबई, सी. नई दिल्ली, डी. बीजिंग। आंसर सी. नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: स्विस संगठन IQA रिपोर्ट 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को 2018 से लगातार 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। वही बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा तथा भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा। 2022 में भारत को 8वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? ए. असम, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. उत्तर प्रदेश। आंसर डी. उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ DGP मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? ए. कनाडा, बी. USA, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। आंसर बी. USA। एक्सप्लेनेशन: भारत और USA के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हब फेज 18 से 25 मार्च 24 तक निर्धारित है।